हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मैं आज आप लोगों के साथ मेरे जो इवनिंग की टाइम शेयर करूंगी, मैं क्या करती हूँ उसी टाइम पे 5 बजे से 10 बजे तक का मेरा जो रूटीन वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो इधर आ गई हूँ मैं। हस्बैंड ने लेके आए थे CST सामान। तो हमारा हर महीने CST से सामान आता है। मेरे हस्बैंड एक रिटायर्ड आर्मी है, तो हर महीने में वे CST सामान लेके आते हैं। तो ये सब सामान लेके आए थे, उसको मैं निकाल के देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं, और उसको मैं स्टोर करूँगी अभी। तो इधर मैंने जितना सामान उनको लिखवाया था लेके आने के लिए, उतना सामान पूरा नहीं मिला। जो भी सामान मिला है वो लेके आए हैं। और ये देखिए, ये जो सर्फ था, सर्फ का पॉकेट थोड़ा सा फट गया है, कैसे पता नहीं, तो सारे सर्फ इसके अंदर गिर गया है थोड़े थोड़े। तो जितना सामान है उसमें से थोड़े थोड़े लग गया है। और अभी जैसे सर्दी का मौसम है, तो जैसे लग पानी उसके साथ लग के चिपक रहा है, ऐसे हो गया था। तो ये देखिए, ये सब सारे सामान लेके आए थे। अभी मैं इसको लेके स्टोर करूँगी। जो कंटेनर में लेके आई हूँ उसमें मैं खाने वाला सामान है उसको स्टोर करूँगी। ये देखिए, मैगी लेके आए हैं बच्चों के लिए। मैंने तो मैगी के लिए बोले ही नहीं थी, पर ये सोप लेके आए हैं, और ये जो सर्फ लेके आए हैं। सर्फ ये किसी बार मिलता है किसी बार में नहीं मिलता है, इसलिए लेके आ गए हैं 2-3 पैकेट। मेरा 2-3 महीना आराम से चल जाएगा। और ये हार्पिक का बॉटल, ये भीम जेल, वांडर जेल है ये, जो यूटेंसिल से बासन धुलाई करने के लिए, बर्तन धुलाई करने के लिए। और ये एक बेडशीट मैंने लाने के लिए बोली थी, ये बहुत अच्छा आ जाता है। ये रेमंड का बेडशीट है, और अंदर से CST से ला के ले के आने से थोड़ा सा अच्छा रेट में हमको मिल जाता है, तो वो मैं मंगाई थी। और ये बच्चों के लिए मैगी तो लेके आए हैं। मैं बोली थी तेल लाने के लिए, तो कोई भी तेल नहीं मिला, रिफाइन का नहीं मिला, सरसों का तेल भी नहीं मिला, नारियल का भी कोई भी तेल नहीं मिला। बच्चों के लिए हॉर्लिक्स ये सब लेके आए थे। वो सब सामान रखने के बाद मैं इधर आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। इधर पूरे कपड़े पड़े थे, जो अभी सर्दी का मौसम है, तो मैं अभी लेके आई लेट। दिन भर ऐसे कपड़े छत के ऊपर पड़ा रहता है, शाम को मैं लेके आती हूँ। तो मैं इधर कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, और उसको लेके उनके जगह में रख दूँगी। इसके बाद बच्चे गए हैं छत के ऊपर खेलने के लिए, थोड़ी देर में वो लोग खेल के आ जाएंगे। आने के बाद बच्चों का ट्यूशन टाइम शुरू हो जाएगा। 7 से लेकर 9 बजे तक मैं उनको पढ़ाई के लिए रख दिया है, तो बच्चों को उस टाइम में पढ़ाती हूँ और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं मानती हूँ कि बच्चों को टाइम देना ही सबसे अच्छा टाइम होता है, तो इस टाइम पे बच्चों को टाइम देंगे तो उनका जो पढ़ाई अच्छा होगा और उनका फ्यूचर भी शायद अच्छा ही होगा। तो ये मेरे कपड़े फोल्ड हो गया है, मैं इसको लेके रैक में रख देती हूँ। अभी शाम का टाइम है, तो बच्चों को मैं इधर पढ़ाने के लिए लेके आ गई हूँ, और दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बुबू का एग्जाम चल रहा है, तो उसका एग्जाम के लिए मैं उसको पढ़ा रही हूँ। वो पढ़ रहा है खुद, मैं उसको क्वेश्चन पूछती हूँ और वो मुझे आंसर करता है। और कृष्णा को भी थोड़ा सा इधर पढ़ाऊंगी। इधर बुबू भी पढ़ाई कर रहा है, कल उसका केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री का वो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। उसको मैं लर्न करने के लिए दिया था, उसके 2 चैप्टर आएंगे, तो केमिस्ट्री का उसने क्वेश्चन आंसर पहले से ही लिख दिया है। और हम अभी बेड में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे रूम में बहुत ठंड लगता है, तो इसलिए बेड में आ गए हैं तीनों। और कृष्णा उसका लिख रहा है, कृष्णा क्या लिख रहा है देखिए, प्लस फोर्टी नाइन
हो गया। ओके वेट 55। नेक्स्ट राइट राइट 51। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। ओके व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अ रिएक्शन विच में टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनादर एंड ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ओके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गया है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज डिनर में स्पेशल बन रहा है मैगी। आज डिनर में मैगी बच्चों की कहने पर तो हमारा मैगी अभी तैयार होने वाला है। मैंने इसमें प्याज टमाटर और कैप्सिकम डाली हूँ और थोड़े से ग्रीन चिली फ्राई करके उसको डाल दी हूँ और मैगी डाल दिया है। अभी तक तो मैगी का मसाला ऐड नहीं किया है, लास्ट में मैं अभी असली मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए मैगी में हस्बैंड अंडे डाल रहे हैं, अंडे उनको बहुत पसंद है, नॉन वेज पसंद है, इसलिए हर चीज़ में डालते हैं तो मैगी में भी। और मेरे लिए थोड़ा सा निकाल दिया है मैंने, मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। अंडे डालने के बाद थोड़ी देर के लिए भी उसको पकाएंगे, नहीं तो कच्चा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने जो मैगी आज बच्चों ने देखा था कैंटीन से लेके आए तो बोले शाम को खाने के लिए, मैंने बोला ठीक है और जब बोल रहे हैं तो खा लेते हैं। तो आज डिनर में मैगी, मैगी को ऐसे नॉर्मल मैंने प्याज और टमाटर सब कुछ डाल दिया था। ये देखो ये मेरे लिए है, मैंने निकाल दिया थोड़े से, और ये मसाले अभी डाल रहे हैं और गरम मसाला भी उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं ताकि उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और उसके साथ हमने बहुत सारा वेजिटेबल्स भी डाले और अंडे भी डाले हैं, इसलिए ऊपर से थोड़ा सा नमक और मसाला देने से ही उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। इसलिए तो जो मैगी देखो अभी तैयार हो गया है, थोड़ी देर अंडे डालने के बाद हमने उसको रखा था, फिर लास्ट में मैं उधर धनिया के पत्ते इधर डाल रही हूँ, धनिया के पत्ते डाल दिया है तो मैगी तैयार हो गया है और सब उधर वेट कर रहे हैं खाने के लिए। और ये देखिए मैं सबके लिए मैगी खाने के लिए दे रही हूँ, ये हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के पास बड़ा वाला लड़का बैठा है उनके लिए, उसके लिए, उसको मैगी बहुत पसंद है, सबको मैंने दे दिया है। और ये मेरे लिए ली हूँ मैं, और ये कृष्णा का, वो मेरे पास में बैठेगा मैं उसको खिलाऊंगी, ये बुबू का और ये हस्बैंड का, पिक्चर देखते हुए सब कर रहे हैं डिनर। और उसके साथ हमने लिया था हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस। ये देखिए कृष्णा को मैं इधर खिला रही हूँ, कृष्णा को हाथ में खाना पसंद नहीं है तो वो मुझे बोलता है खिलाने के लिए, मैं उसको खिला रही हूँ। और बुबू को मैगी तो बहुत पसंद है, वो अपना खुशी से खा रहा है, और हस्बैंड को भी मैगी पसंद है, वो भी खा रहे हैं। ये हो गया आज का हमारा डिनर, आज का ब्लॉग में इतना ही था, ये मेरा नाइट रूटीन था, मैं आप लोग के साथ शेयर किया। घर ये रूटीन मेरा चेंज होते रहता है घर का हर दिन का काम देख के, तो ऐसे ही है। इधर में हमने सब ने खाना खा लिया था, हस्बैंड बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, मैं बेडरूम में लाके पानी रख दी हूँ। तो अभी टाइम बज रहे हैं 11, रात के 11 हो गए हैं, मेरा किचन का मैं बर्तन भी धुलाई कर लिया है और सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, वो लोग सब सोने के लिए गए हैं और मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो आज का ब्लॉग को यहाँ रखते हैं, आप लोग के साथ मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।